हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे टीपी लिंक वायरलेस राउटर मॉडल नंबर TL-WR840N, जैसे कि आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया होगा। यह राउटर 300 Mbps की वायरलेस स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही में यह 5 dBi एंटीना के साथ में आता है और यह IPTV सपोर्टेड है। इसे चाहे तो आप एज अ वायर्ड राउटर, जिसे आप वायर्ड कनेक्शन आपके सिस्टम में डायरेक्टली दे सकते हैं, या आप इसे एज अ वाईफाई राउटर, या फिर आप इसे एज अ वाईफाई एक्सटेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह IPv6 भी सपोर्ट करता है। वायरलेस या वाईफाई मोड में यह 300 Mbps तक की स्पीड देता है और वायर्ड मोड में यह तकरीबन 100 Mbps की स्पीड देता है। यह राउटर 2 प्रीफिक्स एंटीना के साथ में आता है। इसका साइज तकरीबन 7 इंच बाय 5 इंच बाय 1.4 इंच तक का आता है। इसमें एक इनपुट पोर्ट होता है और 4 आउटपुट पोर्ट आपको मिल जाता है। साथ ही में इसके साथ में पावर अडेप्टर भी आपको मिलता है। इसके अलावा टीपी लिंक वालों का खुद का एक ऐप भी है, जो कि आपको ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, जिसका नाम टीपी लिंक तितर है। इस ऐप को इस्तेमाल करके आप इस डिवाइस के जो सारी जो भी मोड्स है, जो भी फीचर्स है, आप उनका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेंगे और देखते हैं इसके साथ में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो बॉक्स में सबसे पहले जो टॉप पर चीज़ आती है वह आपका जो वाईफाई राउटर है वही होता है। तो यहाँ हम वाईफाई राउटर को बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे। वाईफाई राउटर के साथ में आप देख सकते हैं इसकी जो एंटीनास होती है वह प्रीफिक्स होकर ही आती है, तो आपको उसे वापस से फिक्स करना नहीं होगा। सामने की तरफ कुछ सिंबल्स हैं जिसमें लाइट्स ब्लिंक होती है। जब आप इस राउटर को पावर से और इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो इसमें लाइट्स ब्लिंक होती है, जो कि हम इस वीडियो के आगे के भाग में देखेंगे। दोस्तों, मैंने यह डिवाइस जहाँ से ख़रीदा है वहाँ पर यह सिर्फ व्हाइट कलर में ही अवेलेबल था। इस डिवाइस के पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 5 पोर्ट्स दिखती है, जिसमें सबसे पहली जो ब्लू वाली पोर्ट है, इसमें आपको आपका जो इंटरनेट का इनपुट पोर्ट है वह यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। इसके अलावा 4 और येलो कलर की पोर्ट्स है, जिसमें से आप इस डिवाइस का आउटपुट ले सकेंगे। साथ ही में इसमें एक रीसेट या WPS बटन भी दिया गया है। उसके अलावा इसमें एक पिन दी गई है, जिसकी मदद से आप इसे पावर सप्लाई भी दे पाएंगे। दोस्तों, इस राउटर के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कोड्स या कुछ सीरियल नंबर्स दिख जाते हैं, जो इस राउटर डिवाइस के सीरियल नंबर है और इस डिवाइस का क्या नाम है, इसका क्या पासवर्ड है, वह सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अगर आप इस राउटर को वॉल पर हैंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में इसके यूज़र मैनुअल भी मिल जाती हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जिसके अंदर आपको इस डिवाइस की और भी सारे टेक्निकल डिटेल्स और इसे इंस्टॉल करने का प्रोसीजर और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कैसे उसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें इसमें दी गई है। साथ ही में इसके साथ में एक पावर अडेप्टर आपको मिलता है, जिसकी मदद से आप आपके राउटर को पावर दे पाएंगे। इस पावर अडेप्टर की जो केबल है उसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर की होती है। इसके अलावा आपको इसके बॉक्स में एक इथरनेट केबल भी मिल जाएंगी, जिसके दोनों तरफ आपको RJ45 कनेक्टर्स लगे हुए मिलेंगे, लेकिन इस केबल की जो लंबाई है वह काफ़ी छोटी है, तकरीबन 1.5 मीटर की ही यह केबल होती है। लेकिन ज़्यादातर जो राउटर सप्लाई राउटर मैन्युफैक्चर करने की जो कंपनी है वह आपको इसी लेंथ के आसपास तकरीबन 1.5 से 2 मीटर की ही केबल आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको लंबी इथरनेट केबल की ज़रूरत पड़ती है तो वह आपको एक्स्ट्रा परचेस करनी होगी। तो चलिए, अब हम इस राउटर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे यह किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस लोकेशन पर जहां मुझे इस राउटर को फिक्स करना था। तो मैंने इसके पावर अडेप्टर को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और उसकी केबल को राउटर से कनेक्ट कर दी है। साथ ही में जो मेरी इंटरनेट की जो इनपुट केबल है, जैसे कि जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ब्लू कलर की मेरी इंटरनेट की केबल है, इस केबल को मैं राउटर के पीछे जो ब्लू कलर का पोर्ट था उसमें डाल रहा हूं। तो मेरा जो इनपुट सिग्नल है वह फिलहाल मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा बाकी के 4 जो येलो कलर के जो पोर्ट्स हैं, फिलहाल मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस राउटर को एज ए वायरलेस राउटर ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको वायर्ड कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में आप एक इथरनेट केबल लेकर उसकी एक एंड को इस राउटर के पीछे दिए गए 4 जो स्लॉट्स हैं येलो कलर के, उनमें से किसी में इंसर्ट कर दीजिएगा और उस केबल की जो दूसरी एंड है उसे आप आपके लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए। तो ऐसे में आप इसे एज अ वायर्ड कनेक्शन भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस राउटर को पावर से और इथरनेट केबल से कनेक्ट करने के बाद इसमें 2 लाइट्स ग्लो हो रही हैं।
थोड़ी देर वेट करने के बाद यह जो दोनों लाइट्स है वह ग्रीन हो गई है। शुरू शुरू में इसमें से एक लाइट जो थी वह ऑरेंज थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली वो भी ग्रीन हो गई है। तो चलिए अब हम मोबाइल में चेक करेंगे कि यह जो राउटर है वह मोबाइल से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको डिवाइस के पीछे जाकर इसका डिवाइस का नाम क्या है और इसका पासवर्ड क्या है, यह दोनों नोट कर लेना है। इसके बाद हम मोबाइल स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे और इसमें वाईफाई सर्च कर लेंगे। वाईफाई सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर डिवाइस का नाम मिल जाता है। डिवाइस का नाम सिलेक्ट करके हम इसका जो पासवर्ड है जो हमने राउटर के पीछे से लिया था वह इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो वाईफाई है मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में मेरे ही चैनल की कुछ पुरानी वीडियोस को ओपन करके इसके कनेक्शन को चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बड़ी ही आसानी से हमने अपने वाईफाई राउटर का सेटअप पूरा कर लिया है और मैं इसे एज अ वाईफाई सिग्नल अपने मोबाइल में इस्तेमाल भी कर पा रहा हूँ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस वाईफाई राउटर को एज एन एक्सटेंडर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो ब्लू कलर की जो इनपुट केबल आप देख रहे हैं यह मेरे पड़ोस में से ली गई एक केबल है, क्योंकि मेरे पास खुद का सिग्नल नहीं था, मैंने उनसे एक एक्सटेंशन केबल उनके राउटर से एक्सटेंड की है और वहाँ लाकर मैंने इसे अपने राउटर में इंसर्ट कर दी है। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।